Assalamu alaikum. Welcome to Verilog Tutorials for Beginner. In today's topic, we are going to cover the concept of concatenation in Verilog. Okay, concatenation se murad basically Verilog ke andar ye hoti hai ki aap multiple signals ko aapas mein mila ke ek bada signals aap declare kar sakte hai. Concatenation means combining multiple signals together. So concatenation. ठीक है, द ऑपरेटर फॉर द कॉन्केटेनेशन सिस्टम इन वेरिलॉग इज कर्ली ब्रैकेट्स. ठीक है, अगर आपको जो भी हम किसी मल्टीपल सिग्नल्स को हमें कॉन्केटिनेट करना होता है या किसी पर्टिकुलर सिग्नल को रेप्लिकेट करना होता है या उन्हें हमें किसी दो सिग्नल्स को मिला के सिग्नल बनाना होता है तो हम उसके लिए कॉन्केटिनेशन के ऑपरेटर को यूज कर रहे होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद एन बेसिक एग्जाम्पल के लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ए इनपुट है जो आपके पास 2 bit 1 0 है और आपके पास बी इनपुट है जो है 2 bit 1 1. आई हैव मुझे अब क्या करना है कि मुझे इन दोनों को कॉन्केटिनेट करके एक सिग्नल बनाना है जिसकी वैल्यू कुछ इस तरह से हो 1 1 1 0 4 bit binary 1 1 1 0. तो बेसिकली मैं क्या करूंगा कि मैं ए और बी को आपस में कॉन्केटिनेट कर दूंगा जिससे मेरे पास इस तरह की वैल्यू यहाँ पे जनरेट हो रही होगी. सो उसके लिए बेसिकली मुझे करना है क्या है कि वी विल बी यूजिंग के सी शुड बी ठीक है सी के ऊपर फॉर एग्जाम्पल मुझे सी के ऊपर ये आंसर सेव करवाना है तो सी उसके बाद अब कॉन्केटिनेशन के ऑपरेटर को यूज करते हैं कि कर्ली ब्रैकेट. सबसे पहले मुझे अब देखना है कि मुझे सबसे पहले क्या कॉन्केटिनेशन करवानी है 1 1 को. तो मेरा जो 1 1 का जो नंबर है वो मेरे किस वेरिएबल के पास है बी के पास. ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉन्केटिनेशन में क्या लिख देंगे कि बी राइट. उसके बाद आपके पास आता है कॉमा. कॉमा के बाद मेरे पास क्या है 1 0. सो सेकंड पार्ट इसकी मुझे 1 0 को क्या करना है कॉन्केटिनेट करना है. तो 1 0 की जो वैल्यू है वो मेरे पास किसके पास वेरिएबल में सेव हो मेरे ए के वेरिएबल के पास सेव है. सो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि बी कॉमा ए एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज. सो इससे मेरे पास जो सी का जो आंसर जनरेट होगा वो एग्जैक्टली सेम जनरेट होगा जो यहाँ पे मैंने 4 bit binary के ऊपर लिखा हुआ है कि 4 bit binary 1 1 1 0. अगर इसी को अगर मुझे थोड़ा ऑपोजिट करना हो कि मुझे 4 bit binary 1 0 1 1 को डिजाइन करना है तो आपको सिर्फ क्या करना है कि हमें अपने इन वेरिएबल्स को सिर्फ क्या कर देना होगा स्वैप कर देना होगा कि सी शुड बी कॉन्केटिनेशन ऑफ ए कॉमा बी. ठीक है, तो एग्जैक्टली ये वही वेरिएबल बना देगा 1 0 1 1 जिस तरह के आप इसको कॉन्केटिनेट कर रहे हैं. ठीक है, ये वाली बात तो हमने कर ली कि व्हाट के हमारे पास दोनों वेरिएबल्स के ऊपर वैल्यूज डिफाइंड है जिसको हम कॉन्केटिनेट करना चाह रहे थे. व्हाट इफ के मैं विदाउट वेरिएबल अपनी कॉन्केटिनेशन कोई सिग्नल को करवाना चाहता हूँ. ठीक है, इसके लिए हम एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 कि मेरे पास एक वेरिएबल है ए जो है 2 bit binary का, इसके अंदर 1 1 है. सिर्फ मेरे पास ये एक ही वेरिएबल है लेकिन मुझे इस वेरिएबल से जो आउटपुट जनरेट करवाना है वो इस तरह का आउटपुट जनरेट करवाना है 4 bit binary 1 1 0 0. ठीक है, आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ आउटपुट टू बी जनरेटेड बाय द कॉन्केटिनेशन ऑफ ए. तो बेसिकली बाय बजाय आप इसको देखेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ एक ही वेरिएबल. ऊपर आपने जो एग्जांपल लिखी थी हमने उसमें देखा था कि हमारे पास 2 वेरिएबल होते हैं तो 2 वेरिएबल को आप कॉन्केटिनेट करवा सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो हम इसके अंदर बाकी के जो बिट्स हैं वो किस तरह से कॉन्केटिनेट करवा रहे होंगे. तो वो बेसिकली इस तरह से पॉसिबल है कि अगर मैं यहाँ पे सी वेरिएबल लिखूँ कॉन्केटिनेशन ऑफ, सबसे पहले मुझे क्या कॉन्केटिनेट करवाना है 1 1. सो आई नो कि जो मेरा 1 1 वेरिएबल है वो मेरे पास ए के अंडर सेव है तो आपने कॉन्केटिनेशन किया ए को. अच्छा, उसके बाद मुझे क्या करना है 2 bit 0 को कॉन्केटिनेट करवाना है. सो सिंपली मैं इसके अंदर इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं लिख दूँ कि 2 bit binary 0 0, सो इट विल गोइंग टू कॉन्केटिनेट 2 0s इन द एंड ऑफ द ए. तो ए अगर 1 1 है तो उसके आखिरी में अगर 0 0 में लगा कॉन्केटिनेट कर दूंगा सो दिस विल बी सी विल बी इक्वल्स टू 4 bit binary 1 1 0 0. तो एग्जैक्टली ये वही आंसर जनरेट कर रहा हूँ. सी का आंसर एग्जैक्टली वही होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, अगर इसको थोड़ा ऑपोजिट कर दें आप इसको ऑपोजिट भी कर सकते हैं कि अगर मैं इस तरह की वैल्यू जनरेट करवाना चाह रहा हूँ 0 0 1 1 तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्केटिनेशन का जो सिंटेक्स है वो थोड़ा उल्टा हो जाएगा कि आप पहले 2 bit binary 0 0 को कॉन्केटिनेट कर वैल्यू लिख रहे होंगे उसके बाद आप
ए को वैल्यू लिख रहे हो, मतलब इससे जो वैल्यू जनरेट होगी वो एग्जैक्टली इसी तरह की जनरेट होगी कि आपके पास सबसे पहले 2 बिट 0 0 कॉन्केटिनेट होंगे, उसके बाद आपके पास 1 1 जो आपके पास ए वेरिएबल में सेव है वो उसके साथ ऐड होके ये पूरा 0 0 1 1 का नंबर आपके पास जनरेट कर रहा होगा। ठीक है, कॉन्केटिनेशन सिर्फ एक सेम बिट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सेम बिट्स के लिए यूज कर सकें, यू कैन यूज फॉर मल्टीपल बिट्स विद एज वेल। ठीक है, अगर इसके हम थर्ड एग्जाम्पल देखें, अगर एग्जाम्पल नंबर 3 में बोलूं कि मुझे एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर इस तरह का अगर नंबर जनरेट करना है कि 0 0 0 0 1 1, राइट, तो ए मेरे पास जो गिवन है वो 2 बिट बाइनरी 1 1 ही गिवन है, या इसको हम 0 1 कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब मुझे जो जनरेट करवाना है वो इस तरह का नंबर जनरेट करवाना है जिसमें 4 0 हो, 1 हो, फिर 1 हो। तो इसकी कॉन्केटिनेशन आप किस तरह डिजाइन करेंगे? कॉन्केटिनेशन में सबसे पहले हमें वी नो कि भाई 0 1 जो है वो तो मुझे यहाँ से इस वेरिएबल से मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे कितने 0 कॉन्केटिनेट करवाने पड़ेंगे? 0 1 2, यानी कि मुझे 3 0s को यहाँ पे कॉन्केटिनेट करवाने पड़ेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3 बिट बाइनरी 0 0 0 कॉमा, उसके बाद मुझे पता है कि ये जो 0 1 जो है वो मेरा ए वेरिएबल है, सो ए, उसके बाद मुझे पता है कि ये 1 जो है मुझे फिक्स कॉन्केटिनेट करवाना है, तो आप इसको यहाँ पे 1 बिट बाइनरी 1 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इससे आपके पास जो एग्जैक्टली सी जनरेट होगा वो इसी तरह का जनरेट होगा जो हम यहाँ पे जनरेट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो बात हमारी हो गई कि वॉट वी आर ओनली वॉन्ट टू डू द कॉन्केटिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, कॉन्केटिनेशन के एक मसला, अब एक पर्पस हम इसको यूज करते हैं फॉर रेप्लीकेशन एज वेल। ठीक है, अगर वो मैं दिखाऊं किस तरह से, ठीक है, उसको हम रेप्लीकेशन के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक ए वेरिएबल है 2 बिट बाइनरी 1 0, अगर आपको इस तरह की सीक्वेंस जनरेट करवानी है उससे 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है, अब यहाँ पे अगर बजाय देखे तो मैं कह सकता हूँ भाई 1 0 एक ए वेरिएबल है, ये भी एक ए वेरिएबल, इसकी वैल्यू ए में सेव है, सेम वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। तो इसके दो तरीके हैं कि या तो मैं इसको इस तरह से कॉन्केटिनेशन कर लूँ, यानी कि सी इज इक्वल्स टू ए कॉन्केटिनेशन ऑफ ए कॉमा ए कॉमा ए कॉमा ए, यानी कि मैं 4 बार ए को कॉन्केटिनेट करूंगा तो मेरे पास एग्जैक्टली सेम आंसर बनेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन डेफिनेटली ये मैं एक ही वैल्यू को बार बार रीयूज कर रहा हूँ, तो इसका एक बेटर पर्पस ये होता है कि आप इसको रेप्लीकेट की कंडीशन लगा दें। रेप्लीकेशन की मतलब क्या है कि भाई आपने सी लिखा, यू ओपन द कर्ली ब्रैकेट, देन यू राइट कि आपको पर्टिकुलर एक वेरिएबल को या एक वैल्यू को कितनी बार रेप्लीकेट करवाना है या कितनी बार उसको रिपीट करवाना है। सो मुझे पता है कि मेरे पास अगर ये वेरिएबल ए 1 0 की वैल्यू अगर ए में सेव है, तो अगर उसको मुझे कितनी बार रेप्लीकेट करवाना पड़ेगा? 1 2 3 4, तो मुझे 4 बार इसको रेप्लीकेट करवाना है ताकि मेरे पास ये नंबर जनरेट हो जाए। सो लेट्स से कि सी, इसके बाद मैं लिखूंगा 4 टाइम्स कि मुझे 4 टाइम्स रेप्लीकेट करवाना है। अच्छा, किस चीज को रेप्लीकेट करवाना है उसके लिए हम दोबारा कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे, तो कर्ली ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा 4a, दिस कर्ली ब्रैकेट विल बी क्लोज एंड दिस कर्ली ब्रैकेट विल बी क्लोज। सो ये क्या करेगा कि मेरे ए को 4 बार रेप्लीकेट कर देगा। तो आपके पास ये वाली कमांड और ये वाली कमांड आर बोथ आर एग्जैक्टली द सेम वे, दोनों आपके पास सेम आंसर ही जनरेट करेगी, बट लिखने का तरीका एक है। ये कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा रेप्लीकेशन करनी हो, अगर मैं इसको बढ़ाता चला जाऊँ, अगर आपको इसको 64 टाइम्स रेप्लीकेट करने हैं तो आपको इस वाले कमांड के थ्रू आपको 64 टाइम्स ए लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको ये कमांड आप यूज़ करते हैं तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट राइट अ 64 एंड ए, तो ये ए को 64 टाइम्स आपको रेप्लीकेट करके प्रोवाइड कर देगा। तो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट सिंटेक्स वी यूज फॉर द रेप्लीकेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली बेसिक कॉन्केटिनेशन की थ्योरी थी कि हमें किस तरह से कॉन्केटिनेशन हम कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू अस फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स, हम एग्जांपल्स को ट्राई करके देखते हैं कि किस तरह से हम उसको कोडिंग के अंदर डिजाइन कर रहे होते हैं। सो लेट्स ओपन अवर विजुअल स्टूडियो कोड, सेम प्रोसेस, एक आपको फोल्डर बनाना पड़ेगा, फोल्डर का नेम हम रख देते हैं कॉन्केटिनेशन। ओपन द फोल्डर, फोल्डर के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो फाइल्स बनती है वो डिजाइन डॉट वी। ठीक है, अच्छा इसके अंदर सबसे पहले मॉड्यूल का नाम कॉन्केटिनेट एंड पोर्टलेस वाई। अच्छा अभी इसके अंदर मैं पोर्टलेस बेसिकली डिजाइन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस चीज को डिजाइन करना यहाँ पे चाह रहे हैं। सो
लेट्स से कि आपके पास हम वेरिएबल्स ले लेते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। इसी तीन वेरिएबल्स के हम काम कर रहे होंगे, ए एंड बी विल बी माई इनपुट्स एंड सी विल बी माई आउटपुट ऑफ द कॉन्केटिनेटेड रिजल्ट, ठीक है। अच्छा सर, काम क्या करना करने के हमें डिक्लेयरिंग इनपुट्स, ठीक है। मैं इनपुट्स डिक्लेयर करता हूँ कि भाई ए जो है इनपुट, ए मेरे पास 2 बिट का है, ठीक है, और हम जो पी जो है वो हम 4 बिट्स का ले लेते हैं, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं आउटपुट। अच्छा, आउटपुट के ऊपर मैं एक और मजीद एक दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ, सी कॉमा डी, ठीक है। अच्छा, आउटपुट को हम पहले सी को डिक्लेयर कर देते हैं, लेट्स से 7:0, यानी कि 8 बिट का सी हो जाएगा, और आउटपुट हम डिक्लेयर कर देते हैं 15:0 डी, राइट, ठीक है। ये मल्टी वेरिएबल बिट्स है, तो आई होप कि आपको अभी समझ में आ गया होगा कि हम कितने बिट्स का ये नंबर यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद डेफिनेटली इंटरिम सिग्नल्स, सो वी डोंट नीड इंटरिम सिग्नल्स, मॉड्यूल इनिशिएशन, सो वी डोंट नीड मॉड्यूल इनिशिएशन। उसके बाद आती है आपके पास डिजाइन लॉजिक, ठीक है। डिजाइन लॉजिक में सबसे पहले मैं लॉजिक कह रहा हूँ कि हमें सी को डिजाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू 8 बिट का सी है, तो आप इसको कॉन्केटिनेट करें बी के साथ। इसकी जो वैल्यू जो भी बन रही हो वो बी शुड बी कॉन्केटिनेट बी, तो बी आपके पास कितने बिट्स का हमने रखा है, 4 बिट्स का। तो 4 बिट्स में से अगर आप 8 बिट्स में से 4, तो आपके पास 4 बिट्स रहेंगे। सो आई विल से इसको हम इस तरह कॉन्केटिनेट करते हैं, 0 0 b 1 1, ओके। वी हैव टू जनरेट सी इन सच अ वे कि वो 0 0 हो, फिर बी की जो भी वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हो वो आए, और उसके बाद 1 1 फिक्स वैल्यू इसके पास जनरेट हो रही हो। सो लेट्स से राइट सी इज इक्वल्स टू कॉन्केटिनेशन का सिंबल कर्ली ब्रैकेट। सबसे पहले हमारे पास 2 बिट बाइनरी है, तो 2 बिट बाइनरी 0 0 कॉमा बी कॉमा 2 बिट बाइनरी 1 1, ठीक है। तो ये हमें इसी तरह का आंसर जनरेट करके देगा जो हम इसमें चाह रहे हैं, यानी कि 8 बिट का सी होगा जिसमें 2 स्टार्टिंग की बिट, 2 0 होंगी, लास्ट बिट 2 1 होगी, और बीच में वो वैल्यू होगी जो हम बी को प्रोवाइड कर रहे होंगे। इसी तरह अगर हम डी की बात करें कि हमें डी जो है हमारा 16 बिट का कॉम्बिनेशन है, सो इट शुड बी समथिंग कॉनकेटिनेट ए मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। यानी कि हमें ए 2 बिट्स का है, तो 16 बिट्स के लिए हमें ए को 8 टाइम्स कॉनकेटिनेट करना है। तो इसकी जो लॉजिक हमारे पास बनती है वो किस तरह बनेगी, असाइन डी शुड बी, इसमें बेसिकली मैं रेप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ कि ए की जो भी वैल्यू हो वो 8 टाइम्स रेप्लीकेट होगी 16 बिट नंबर पे आपके पास सेव हो जाए। तो इसके अभी हम सिंटेक्स देख चुके हैं हम किस तरह डिजाइन करेंगे, तो डी शुड बी 8, 8 के अंदर हम क्या कर देंगे राइट ए, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि ए को 8 टाइम्स मुझे रेप्लीकेट करके प्रोवाइड कर देगा। सो दिस इज अवर डिजाइन मॉड्यूल, लेट्स गो टू अवर टेस्ट बेंच। सो न्यू फाइल टेस्ट बेंच डॉट वी, सो मॉड्यूल टीबी स्पेस एम्प्टी एंड मॉड्यूल, राइट। अच्छा, सबसे पहले डिक्लेयरिंग डिजाइन, हमारे पास कॉनकेटिनेट का डिजाइन है, कैटिनेट DUT, राइट सिंबल्स, इनपुट्स आर ए बी कॉमा सी कॉमा डॉट डी, राइट। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं। तो हमें पता है कि मेरे पास जो ए है वो हमारे पास 2 बिट का है, उसके बाद हमारे पास जो बी है वो हमारे पास 4 बिट्स का है, राइट। सो दीज आर द रेज, और वायर जो हमारे पास है आउटपुट सी जो है वो हमारे पास 8 बिट्स का है, और हमारे पास जो वायर डी है वो हमारे पास 16 बिट्स का है, राइट।
अच्छा इसको मैप कर लेते हैं, ए के ऊपर ए, बी के ऊपर बी, सी के ऊपर सी और डी के ऊपर डी, राइट। चल लास्ट टेस्ट पार्ट, डिक्लेयरिंग ऑफ डिजाइन के बाद हमारे पास जो आता है वो आता है हमारे पास स्टिमुलस को डिजाइन करना। सो स्टिमुलस के लिए हम इनिशियल बिगिन को यूज करेंगे, बिगिन एंड। सबसे पहले मैं ए की वैल्यू दे देता हूँ 2 बिट बाइनरी ऑफ 1 1, राइट। बी की वैल्यू हम दे देते हैं 4 बिट बाइनरी 1 0 1 0, डिले 100 सेकंड, राइट। सो लेट्स स्टे विद सिंगल इनपुट फॉर नाउ, और उसके बाद लास्ट जो पार्ट हमारे पास आता है वो आता है डिक्लेयरिंग डम कमांड, ठीक है। तो इनिशियल बिगिन डॉलर डम फाइल डम डॉट बीसीडी कॉलन डम बार्स 0, राइट। सो दिस इज अवर इनपुट। अभी हमने सिर्फ इसको एक इनपुट प्रोवाइड किया है टू सी हाउ डज अवर कॉन्केटिनेशन वर्क। सो लेट्स ओपन अ न्यू टर्मिनल एंड राइट इट कमांड, ठीक है। बेसिकली हम कॉन्केटिनेशन के फोल्डर में ही है, उसके बाद हम रख देते हैं आई वेरी लॉग माइनस ओ आउट डॉट बी बी पी टेस्ट बेंच डॉट बी एंड डिजाइन डॉट बी, अगेन नो एरर सो परफेक्टली वर्किंग। उसके बाद बी बी पी आउट डॉट बी बी की कमांड, ठीक है। डम फाइल ओपन हो गई है, और उसके बाद हम ओपन कर लेते हैं जी टी के वेव डम डॉट वी सी डी, ठीक है। अच्छा लेट्स से इनटू द टेस्ट बेंच, ए बी सी एंड डी, राइट। अच्छा अब इसको आप देख रहे होंगे तो यू विल बी सरप्राइज कि हमारे पास जो ए बी सी डी आ रहा है वो कुछ अलग ही किस्म के यहाँ पे वो हमें फॉर्मेट्स नंबर शो कर रहे हैं, ठीक है। ए हमारे पास 2 बिट का था, उसने 1 1 शो किया था। अब हमने बी को जो रखा है वो हमने क्या रखा था, बी वॉज इनपुट लाइक 1 0 1 0। सो बेसिकली आपको ये वेव फॉर्म में जो नंबर दिखा रहा होता है वो किस फॉर्म में दिखा रहा है, वो आपको हेक्साडेसिमल फॉर्म में नंबर शो कर रहा है। तो अगर आपको इसको हेक्साडेसिमल फॉर्म में देखना है तो आप हेक्साडेसिमल फॉर्म में देख सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द सिंपलिसिटी हम इसके डेटा टाइप्स को फॉर्मेट पे आप जाके इसको बाइनरी पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो अगर मैं डेटा फॉर्मेट पे लेफ्ट क्लिक करेंगे आप, राइट क्लिक से डेटा फॉर्मेट, डेटा फॉर्मेट से जाके आप इसको बाइनरी पे क्लिक कर रहे हैं, तो सी इट शोज 1 0 1 0, जो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे बाइनरी पे इसको रिप्लेस किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह डी एच मैंने 2 बार कर दिया था, तो लेट्स से सी वंस, ठीक है। सी के ऊपर क्लिक करते हैं डेटा फॉर्मेट बाइनरी, एंड डी के ऊपर क्लिक करते हैं डेटा फॉर्मेट बाइनरी, राइट। अच्छा अब आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली हमने सी किस तरह से हमने जनरेट करना था। सी की हमने कंडीशन क्या लगाई थी कि इनिशियली इसके पास 2 0 होने चाहिए, फिर हमारे पास बी का वैल्यू आना चाहिए, बी का जो इनपुट है वो आना चाहिए, उसके बाद हमारे पास इसका डी का आना चाहिए, जो भी इसका आखिर में 2 1 आने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसको मजीद देखें तो देखें स्टार्टिंग में आपके पास जो 2 बिट है वो 0 0 है, फिर आपके पास बी रेप्लीकेट हुआ हुआ है 1 0 1 0, और उसके बाद हमारे पास लास्ट में 2 1 जो फिक्स हमने रखे थे वो हमारे पास यहाँ पे फिक्स कॉन्केटिनेट हुए हुए हैं। और अगर आप डी को देखेंगे तो डी पे हमने क्या किया था कि हमने ए की वैल्यू को ही 8 बार रेप्लीकेट करवाया, ठीक है। तो आप देखें तो उसने क्या किया गया, हर जगह 1 1 1 1 1 1 को ही उसने ए की वैल्यू को ही यहाँ पे रेप्लीकेट करके हमें शो किया हुआ है, ठीक है। इसको मजीद हम टेस्ट कर लेते हैं कि व्हाट इफ वी चेंज द इनपुट्स, ठीक है। मैं बी को चेंज कर देता हूँ 1 1 1 0 के अंदर, इसको हम चेंज कर देते हैं 1 0 के अंदर, ठीक है। लेट्स क्लोज दिस अगेन। जब हमने टेस्ट बेंच को चेंज किया है तो वी हैव टू राइट ऑल 3 कमांड्स अगेन, ताकि वो दोबारा फ्रॉम द स्टार्टिंग रिकम्पाइल करे और सारी चीज़ें हमें ओपन करके शो कर दे, ठीक है। टेस्ट बेंच पे आप क्लिक करेंगे तो ए बी सी एंड डी, ओके। फिर इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि इजी समझ में आ जाए, जूम इन। अच्छा इनको दोबारा डेटा फॉर्मेट्स को बाइनरी पे आप इसको कन्वर्ट कर लिएगा ताकि इजीली आप इसको देख सकें, ठीक है। नाउ यू कैन सी के जब हमने सी की वैल्यू को जैसे ही हमने चेंज किया है, तो हमारी बी की वैल्यू को जैसे ही हमने चेंज किया 1 1 0, तो सी की वैल्यू के अंदर इनिशियल 2 बिट्स के ऊपर तो कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई क्योंकि हमने वो फिक्स रखी थी 0 0।
उसके बाद इजीली बी की जो वैल्यू है वो रेप्लीकेट हो गई है कि 1110, उसके बाद क्या है लास्ट भी जो 11 है। इसी तरह डी देखें तो डी पे हमने जैसे ही ए को 10 किया तो उसने क्या कर दिया, 10 को रेप्लीकेट कर दिया। अगर आप इसको काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स उसने 10 को क्या किया है, रेप्लीकेशन की हुई है। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्केटिनेशन। इसको मजीद हम आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह में यूज करते हैं। सो आप इसको मजीद डिफरेंट केस बना के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बेसिकली का द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्केटिनेशन इज कि आप छोटे सिग्नल्स को या मल्टीपल वायर्स को मिला के एक न्यू वायर्स या नए वैल्यूज आप इसको जनरेट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।